एनिमेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे लोग कार्टून से कंपेयर करते हैं और इसे सिर्फ किड जॉनर टॉपिक्स के रूप में ही रिलेट कर पाते हैं। बट आज हम बात करेंगे टॉप 10 एनिमेशन मूवी की, जिसे देखने के बाद आपका एनिमेशन टॉपिक्स को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन विद अ शॉर्ट इंट्रो। किधर आ गई हो? दसवें नंबर पर आती है 2015 में आने वाली मूवी द एंथम ऑफ हार्ट, जिसे डायरेक्ट किया है तत्सुयुकी नागाई ने। मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो मूवी में एक लड़की जिसका नाम जिन है की वॉइस मैजिकली चले जाती है, जिससे वो कभी भी अपनी बातों से किसी को हर्ट ना कर सके। जहां सालों बाद जब जिन का सामना म्यूजिक और उसके फ्रेंड से होता है, तब उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं वो आप इस मूवी में देखो। IMDb पे मिलते हैं 7.3 आउट ऑफ 10। नौवे नंबर पर आती है 2013 में आने वाली मूवी द गार्डन ऑफ वर्ड्स, जिसे डायरेक्ट किया है मकोतो सिंकाई ने। कहानी शुरू होती है जब 15 साल का टीनेज लड़का तकाओ स्कूल स्किप करके एक गार्डन पर जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक 27 साल की लेडी युकिनो से होती है, जहां तकाओ को युकिनो से एक तरीके का अटैचमेंट हो जाता है। मूवी को खास बना देती है इसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले और एनिमेशन, जहां इस रोमांटिक ड्रामा मूवी को IMDb पे मिलते हैं 7.4 आउट ऑफ 10। आठवें नंबर पर आती है 2019 में आने वाली मूवी वेदरिंग विद यू, जिसे डायरेक्ट किया है मोकोतो सिंकाई ने। मूवी की बात करें तो कहानी शुरू होती है हाई स्कूल के लड़के से जिसका नाम हदको मारुशिमा है, जो कि अपने घर से भागकर टोक्यो चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की जिसका नाम अमीनो हिना है से होती है, जो प्रे से रेनी वेदर को एक ब्यूटीफुल सनी डे में चेंज कर सकती है। मूवी इन्हीं कैरेक्टर्स के अराउंड घूमती है, जहां इस फैंटेसी ड्रामा मूवी को IMDb पे मिलते हैं 7.5 आउट ऑफ 10। सातवें नंबर पर आती है 2007 में आने वाली मूवी 5 cm/s, जिसे डायरेक्ट किया है मकोतो सिंकाई ने। कहानी हमें तकाकी की स्टोरी को दिखाती है, जहां हमें तकाकी की स्टोरी को 3 सेगमेंट में दिखाया गया है, जहां कहानी में तकाकी एक लड़की जिसका नाम अकीरा होता है के बारे में ही सोचता रहता है। मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी स्टोरी, जो हमें मूव ऑन जैसे टॉपिक्स को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाती है, जहां इस ड्रामा फैमिली मूवी को IMDb पे मिलते हैं 7.5 आउट ऑफ 10। छठे नंबर पर आती है 2008 में आने वाली मूवी पोन्यो, जिसे डायरेक्ट किया है हायो मियाजाकी ने। मूवी की बात करें तो मूवी में एक छोटा बच्चा जिसका नाम सासुके होता है, जहां उसकी दोस्ती एक गोल्डफिश से हो जाती है, जहां आगे हमें वो गोल्डफिश एक छोटी सी लड़की में बदलते हुए दिखाया जाती है। मूवी में हमें सासुके और गोल्डफिश के रिलेशन को दिखाया जाता है, जहां इस एडवेंचर कॉमेडी मूवी को IMDb पे मिलते हैं 7.6 आउट ऑफ 10। पांचवें नंबर पर आती है 2007 में आने वाली मूवी स्वॉर्ड्स ऑफ द स्ट्रेंजर, जिसे डायरेक्ट किया है माशिरो अनादो ने। मूवी में हमें एक लड़का जिसका नाम कोतारू है, जिसके पीछे एक चाइनीज ग्रुप जिसका नाम मिंग स्वॉर्ड होता है, पड़े हैं। आगे कोतारू की मुलाकात नैन्सी नाम के एक पर्सन से होती है, जहां कोतारू अपने आगे की जर्नी नैन्सी के साथ करता है। मूवी को खास बना देती है मूवी का एक्शन एनिमेशन और कमाल का BGM, जो इस मूवी को मस्ट वॉच बना देता है, और जहां इस एक्शन एडवेंचर मूवी को IMDb पे मिलते हैं 7.8 आउट ऑफ 10। This is the place where the mountain god and the spirits live. चौथे नंबर पर आती है 2011 में आने वाली मूवी टू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाई लाइट, जिसे डायरेक्ट किया है ताकाहिरो ओमारी ने। मूवी शुरू होती है जब एक छोटी बच्ची जिसका नाम होतारू है के जंगल में खो जाने से, जहां उस जंगल में होतारू की मुलाकात जिम नाम के स्पिरिट से होती है, जिसके बाद दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। मूवी में हमें कमाल का स्क्रीन प्ले स्टोरी आर्क देखने को मिल जाता है, जिसके कारण मूवी एक भी पल आपको बोर नहीं करती, और जहां इस ड्रामा फैंटेसी मूवी को IMDb पे मिलते हैं 7.8 आउट ऑफ 10।
तीसरे नंबर पर आती है 2016 में आने वाली मूवी अ साइलेंट वॉइस, जिसे डायरेक्ट किया है नाओको यामादा ने। मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो मूवी में शोको नाम की लड़की है जो बोल नहीं सकती, जिसके कारण क्लास के सभी बच्चे खासकर शोया आशीदा उसे बुली किया करता था। मूवी का टर्निंग पॉइंट है जब शोको का ट्रांसफर किसी दूसरे स्कूल में हो जाता है, जहां मूवी को इंटरेस्टिंग बना देती है मूवी की स्टोरी कॉन्सेप्ट। जहां इस टीनेज ड्रामा मूवी को IMDb पे मिलते हैं 8.1 आउट ऑफ 10। दूसरे नंबर पर आती है 2016 में आने वाली मूवी योर नेम, जिसे डायरेक्ट किया है मकोटो शिंकाई ने। मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो जब दो स्ट्रेन टीनेजर टाकी मित्सुआ के बीच एक मैजिकल स्ट्रेंज कनेक्शन हो जाता है, जिसके कारण उनकी बॉडी आपस में स्विच हो जाती है। चीजें तब और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब दोनों आपस में मिलने का डिसाइड करते हैं। मूवी को इंटरेस्टिंग बना देती है इसकी यूनिक स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट और कमाल का एनिमेशन। जहां इस फैंटेसी ड्रामा मूवी को IMDb पे मिलते हैं 8.4 आउट ऑफ 10। पहले नंबर पर आती है 1988 में आने वाली मूवी ग्रेव ऑफ द फायर फाइल, जिसे डायरेक्ट किया है आयसेओ ताकाहाटी ने। मूवी हमें वर्ल्ड वॉर टू के समय को दिखाती है, जहां टू सिमलिंग जिनका नाम सेता और सतकु है, जो अमेरिकन द्वारा बम गिराए जाने पर अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, जहां मूवी में हमें इन दोनों के स्ट्रगल्स को दिखाती है। मूवी को खास बना देती है इसकी इमोशनल रियल स्टोरी, जो कि आपको मूवी में बांधे रखती है। और इस ड्रामा वॉर मूवी को IMDb पे मिलते हैं 8.5 आउट ऑफ 10। तो ये थी हमारी टॉप 10 मिस्ट्री मूवी की लिस्ट। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं अपनी फेवरेट मूवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज ऑल अबाउट मूवीज। वॉच बेस्ट एंड डू बेस्ट।